कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में आज दिल्ली की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को देश के खिलाफ जंग छेड़ने सहित दो मामलों में उम्र कैद की सजा दी गई है, जबकि 5 मामलों में 10-10 साल की सजा हुई है। 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। NIA कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी पाया था। यासीन को 19 मई को UAPA गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत दोषी करार दिया गया था। आइए जानते हैं कि यासीन मलिक पर क्या क्या आरोप थे और उस पर किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। यासीन मलिक पर UAPA के तहत कई मामले दर्ज हैं, जैसे कि धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, धारा 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाना, धारा 18 आतंकवादी घटना के लिए साजिश रचना, धारा 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना, धारा 120B आपराधिक साजिश, धारा 124A देशद्रोह। यासीन मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं। यासीन ने दिल्ली की अदालत में UAPA के तहत दर्ज ज्यादातर मामलों में अपने पर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। इसके अलावा यासीन पर 1990 में एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या का भी आरोप है, जिसे उसने स्वीकारा था। उस पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज।